सो है गाइस, मैं हनी पटेल और आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है एंजॉय इन इवनिंग। दोस्तों यह फोटो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग पर बैठा हूँ और अपने पैर को नीचे किया हूँ और पैर के नीचे है एक बिग रिवर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसका कलर मैचिंग भी बहुत ज़बरदस्त मैंने किया है। ओके, तो ये बहुत आपको एकदम सिंपल ट्रिक में बताऊंगा कि कैसे आप पे अपना फोटो इस तरीके का एकदम सेम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ इस तरीके का फोटो क्लिक करवा लेना है, एकदम सेम इसी पोज में अपने फोटो को क्लिक करवा लेना है, अपने पैर को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। ओके, आप इसी तरीके से क्लिक करवा दीजिएगा। ओके, और उसके बाद आपको इरेज कर देना है। आप इस फोटो को देख लीजिए और इसके बाद आपको इरेज कर देना है। आपको पूरा पूरी इरेज नहीं करना है, बस अपने जो आपका पैर है उसी को इरेज करना है, उसी के बगल का इरेज करना है। बाकी आप इस तरीके से आप इधर छोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको जब हम कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे तो हमको एकदम रियल वाला लुक दिखेगा। ओके, तो इस बैकग्राउंड का यहाँ पर बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बैकग्राउंड रहा एकदम HD, फुल HD बैकग्राउंड है। तो इसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर PicArt एप्लीकेशन में और वहाँ पर बताते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने PicArt एप्लीकेशन में और यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। ओके, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ये देख सकते हैं जो रिवर है यहाँ पर जो मेन पार्ट है इसको हमको यहाँ पर आगे ले जाना होगा। उसके लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा कि सेम बैकग्राउंड को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं यहाँ से, हम करते हैं इसको ऐड फोटो। ओके, और यहाँ से उसी बैकग्राउंड को हम फिर से इसमें ऐड करते हैं। ओके, तो ऐड करने के बाद दोस्तों हमको इस बार क्या करना है कि इसको पहले हम फुल कर लेते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से हम पहले बैठा लेते हैं इसको। अब हमको क्या करना है कि इसको हमको आगे ले जाना है। ओके, आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि हम जब फोटो अपने लगाएंगे तो ये आगे का भाग अच्छा लगेगा देखने में। ओके, तो इतने पर हम इसको छोड़ देते हैं, अच्छा लग रहा है। ओके, थोड़ा अगर आप पीछे लेना चाहते ले सकते हैं। ओके, आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं इतना पर डन करता हूँ। ओके, अब हम अपने फ़ोटो को लाएंगे जो हमने एडजस्ट किया, तो इसको हम डन करते हैं। और डन करने के बाद फिर से जाते हैं ऐड फोटो पर और अपने फ़ोटो को लाते हैं जो हमने एडजस्ट किया। तो देखिए यहाँ पर हम अपने फ़ोटो को ऐड करते हैं। ओके, और इसको हम सेम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके, आप भी कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए ये हमारा हो गया, देख सकते हैं और कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको डन कर देना है। ओके, अब डन करने के बाद सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है दोस्तों, हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। बस हमको सिर्फ ब्लर करना है। आप मैंने फोटो में देखे होंगे कि ये जो हमारा पूरा हिस्सा है वो पूरा ब्लर है। ओके, केवल हमारा फेस ब्लर नहीं है, बाकी सब ब्लर है। तो हमको ब्लर करना पड़ेगा। पहले हम जाते हैं यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में। चलिए यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम ब्लर पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्लर पर क्लिक करते हैं। ओके, और हम यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्लर का जो यहाँ पर ब्लर हमको सिर्फ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर चलिए हम यहाँ से 4 ले लेते हैं, 4 ही ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पर हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से जो इरेजर वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाना है, इसको जूम करते हैं और हम अपने फेस पर से जितना भी ब्लर है उसको इरेज करेंगे। यहाँ से देख लेते हैं, हम साइज को इतना ठीक कर लेते हैं, हार्डनेस को बढ़ा लेते हैं। ओके, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हमारा हो गया। और हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा फेस पर है आप अच्छे तरीके से अपने फेस पर का इरेज करिएगा। ओके, बाहरी साइड का इरेज नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर बाहरी साइड का इरेज हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारा जो फोकस कैमरा किया है Valney 4 हमारा फेस को फोकस किया है। ओके, तो बाकी सब तो ब्लर आएगा ही यहाँ पर दोस्तों, ये सिंपल सा बात है। नहीं तो कहेंगे लोग कि यार फेक कैमरा लिया है, पता नहीं कैसा कैमरा था, इधर उधर भी ब्लर कर दिया है। तो यार हमारा जो कैमरा है रियल है। ओके, इसलिए ओके, तो चलिए हमारा ऐसा कुछ हो गया। देखिए हम अच्छे तरीके से कर लिए। और आप यहाँ पर एक खास बात का ध्यान दीजिएगा कि आप अपने जो बाल है, हेयर है, उस पर का अपना ब्लर को आप इरेज मत करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम इसको डन करते हैं। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया, फिर से डन करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा 100% तो नहीं बट 50-60% हो गया। आप देख सकते हैं कितना हमारा हो गया। अब थोड़ा मोड़ा हमको नीड है, पता है क्या, यहाँ पर टूल बार में जाते हैं और एडजस्ट में जाते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं। ब्राइटनेस हमारे वैसे तो ठीक ठाक है बट थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं। ओके, बढ़ाने के बाद हमको क्या करना है, इरेजर पर जाना है, क्लियर ऑल करते हैं। ओके,
और यहाँ से ड्रा में जाने के बाद हमको क्या करना है कि हमारा यहाँ पर देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जानते होंगे अच्छा लगता है। अब देखिए हमारा काम हो गया इतना, अब हमको क्या करना है कि इसको डन कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है लाइट रूम अप्लीकेशन में। तो ड्रा में जाते हैं यहाँ पर, ओके, और थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं सेव इमेज। सो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं लाइट रूम अप्लीकेशन में, और यहाँ पर अपने फोटो को शेयर कर लिया है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि हाईलाइट्स को थोड़ा बहुत प्लस करना है, और कंट्रास्ट को माइनस, इसको भी प्लस कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। ओके, अब हमको क्या कर प्लस करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो शेडो है उसको माइनस करना है। इसमें हमारा काम हो गया, चलते हैं टेम्परेचर वाला ऑप्शन में, इसको हम करते हैं माइनस की साइड। ओके, टेम्परेचर को माइनस करते हैं, और यहाँ पर जो वाइब्रेशन है इसको हम करते हैं प्लस, एंड इसको सेचुरेशन को माइनस माइनस इतना। ओके, अब हम जाते हैं बॉक्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर हमको क्या करना है क्लैरिटी को बढ़ा देना है, और क्लैरिटी को बढ़ाते हैं दोस्तों हमारा HD लुक आ गया, देखिए। ओके, और यहाँ पर विगनेट को हम करते हैं माइनस की साइड। ओके, डिजिट को करते हैं दोस्तों प्लस। ओके, हाईलाइट को बढ़ाते हैं या छोड़ देते हैं, उतना मायने नहीं रखता। ओके, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर त्रिभुज वाले ऑप्शन में, और यहाँ शार्पनिंग को थोड़ा बहुत बढ़ा लेंगे 50 के अराउंड, और नॉइज डिटेक्शन, कलर नॉइज डिटेक्शन को करते हैं हम यहाँ पर 20, एंड नॉइज डिटेक्शन को करते हैं 22, और कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, एंड यहाँ स्मूथनेस को 65:3 जो भी हो जाएगा। ओके, इतना हमारा काम हो गया, देखिए अभी हमारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर वाला ऑप्शन में जाने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है मिक्स वाला ऑप्शन में, और यहाँ पर अपने फेस का कलर को सिलेक्ट कीजिए, और देखिए यहाँ पर अब इसको माइनस करते हैं। मेरे फोटो में आप देखेंगे कि सिचुएशन माइनस है फेस का, या सभी फोटो का ही माइनस रहता है मेरा सिचुएशन। ओके, अब हम जाते हैं यहाँ ब्लू वाला ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर हो रहा है, इसको भी हम इसको थोड़ा बहुत प्लस कर लेते हैं सिचुएशन को, और लुमिनस को हम माइनस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके, रेड वाला ऑप्शन आने के बाद दोस्तों को क्या करना है कि इसको माइनस करना है सिचुएशन को, और प्लस करना है लुमिनस को। डन हो गया हमारा इतना। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर सूर्य वाला भाई ऑप्शन में। ओके, और एक्सपोजर को 10 कर लेते हैं। चलिए हमारा हो गया, अब हम आपको दिखाना चाहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये दोस्तों देख सकते हैं कि रहा हमारा पहले का फोटो जो हमने पी कार्ड में बनाया था, एंड ये हमारा है लाइट रूम का फोटो। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्वालिटी में आ गया दोस्तों आपके सामने, दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो यहाँ से हम शेयर करके अपने ड्राइव में सेव कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।